हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई हम वीडियो कर रहे हैं मैं हूं ना से पठान, पाकिस्तान प्रेम पर भड़के जनरल बख्शी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये क्या शेयर करें हम। मैंने तो अपना पूरे थॉट्स मूवी देखने के बाद आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप डेफिनेटली सर्च कर लेना, चैनल के अंदर हैं। अब देखते हैं ये क्या शेयर कर रहे हैं। मैट्रिक वॉर आपने मेरे ख्याल से इन दो शब्दों में, जो बहुत बड़े शब्द हैं, इसमें आपने एक सॉफ्ट पावर, अमन की आशा और मैं हूं ना देख रहा था। असल में आपने ही मुझे पॉइंट आउट किया था, वी वर वेरी यंग जब ये मूवी आई थी साल पहले। मैं हूं ना तो मैंने भी देखी है, मुझे याद है। प्रोजेक्ट मिला किस तरह, मैं ब्रीफ में स्टोरी बता रहा हूँ, हर जगह अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, मैंने मेरी ऑफिस ने निकाल के दी मुझे। के प्रोजेक्ट मिलाप नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें इंडिया पाकिस्तान अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्यार से मिल रहे हैं, और एक एक्स इंडियन ऑफिसर या पैरामिलिट्री का ऑफिसर, इंडियन ही, वो मेजर टेररिस्ट है, और वो मेजर टेररिस्ट ही पूरे प्रोजेक्ट को खराब कर रहा है। और किस तरह वो प्रोजेक्ट को खराब करने को रोका जाता है, शाहरुख खान ही थे इस मूवी में, और फिर पाकिस्तान और इंडिया में प्रेम। सर, पिछले 40 साल के इतिहास में ये एक बारी भी रियलिटी दिखाई गई है या सिर्फ आपको दुबई में ऑडियंस और आपको मिडल ईस्ट में ऑडियंस चाहिए? प्लस भारत में भी बहुत लोग हैं जो ऐसे एजेंडा समझते नहीं है और मूवी देख लेते हैं। आपको क्या लगता है पहले ऑन अ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, फिर मैं सेकंड आऊंगा एज अ आर्मी पर्सपेक्टिव। देखिए ये एक बहुत खतरनाक पर्सपेक्टिव है और दुल्लत साहब की जो किताब आई है उसने इसको बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है कि हमारे जो थे कई सारे इंटेलिजेंस चीफ्स, उनका जो मेन एम्फेसिस था वो साहब था ऑन पीस मेकिंग विद पाकिस्तान, डिलीवरिंग पीस विद पाकिस्तान। खरीद लो जो भी हमारा विरोधी है उसको खरीद लो, चाहे जाके उसको आपको हुरियत को पैसे देने पड़े, पैसे दे दे के मोटे असामी बना दिए, झोपड़ियों में रहते थे, ऐश महल खड़े कर दिए, और वो गिलानी साहब तो लाइक अ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग वहां श्रीनगर में अपना राज चला रहा था, हमारी इंटेलिजेंस। और दुल्लत साहब कह रहे थे कि वो बड़े पीस स्पेशलिस्ट थे, वो पाकिस्तान को खरीदने वाले थे और ये हुरियत को खरीद ही लिया था, और वो सब कुछ हम अमन की आशा जैसे तैसे ले आएंगे। तब ये थोड़ा सा ये जो नैरेटिव है, आई थॉट इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है दुश्मन को उसकी खबर लाना, उसके उसको कमजोर करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको डिस्टेबिलाईज करना, ये काम। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपना एक नया टास्क बना लिया, कुछ लोगों अब फील्ड ऑपरेटिव हैं, जैसे कि अपने क्या कहते हैं डोवल साहब, वो हमेशा यू नो ऑफेंसिव रहे हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान और जो देश के दुश्मन है, और वो जो कि नॉर्मल इंटेलिजेंस वर्क है, फील्ड वर्क जिसे कहा जाता है, वो किया है, पाकिस्तान लाइन के पीछे रहे हैं 7 साल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अपने देश के दुश्मनों को कमजोर करने के लिए काम किया है, एक्टिवली काम किया। यहां एक दूसरी लहर है साहब, 26, ये जो पिछली मूवी और इस मूवी का कनेक्शन में बता, पिछली मूवी 26/11 के बाद बनाई गई, क्यों? उस वक्त देश में बड़ा आक्रोश था कि क्यों तुमने कुछ नहीं किया जब हमारे 165 लोग मार डाले, आके होस्टेज रखा मुंबई को कोई 4-5 दिन, कत्लो गारत का वहां सिलसिला बना के भारत का तमाशा बना दिया, और क्या किया था तत्कालीन सरकार ने, जीरो अंडा, डोसियर भेजे थे साहब, डोसियर भेजे किलो था, जिनको पाकिस्तान ने कहा ये तो फिक्शन है, कहानी है। अब ये आक्रोश को कैसे कम करें, हिंदू टेरर साहब पाकिस्तान का कोई रोल नहीं, गुस्सा ये तो लोगों की चाल, जो हिंदू टेररिस्ट है, एक तो हिंदू टेरर हमने आज तक टर्म नहीं कभी सुना ही नहीं है, उसने दिखाया कि एक हिंदू ऑफिसर इंडियन आर्मी का, रियल लाइफ में तुमने देखा है कोई हिंदू ने कुछ इस टाइप से किया, शांति की तरफ बहुत अच्छा, वेरी नाइस, उसको उसने 26/11 मतलब सजेस्ट किया कि हमारे लोगों ने किया, तो कर्नल पुरोहित को भी पकड़ के अभी तक ये समझो फिक्टिशियस था, ठीक है साहब, कहानी थी। मुझे बताइए ये नैरेटिव बड़ा खतरनाक है कि पाकिस्तान की आईएसआई वाले हमारे प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, बचा रहे हैं। मैंने भी बोला था, दुल्लत साहब ने भी किताब को ऑथर करी थी पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई चीफ के साथ
अब ये प्यार मोहब्बत मुझे समझ नहीं आई। पुराने जमाने में तो साहब इसको शरेआम ट्रेचरी कहते, गद्दारी कहते, देश को धोखा देने की बात कहते, देश के पीठ में छुरी घोंपने की बात कहते। अब ये दूसरी बार हम ये नैरेटिव देख रहे हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान को सीज फायर किया, कर दिया, जबकि पाकिस्तान पूरी तैयारी कर रहा था अफगानिस्तान पे कब्जा करने की वाया द तालिबान। तो वो चाहता था एक पीसफुल ईस्टर्न बॉर्डर, हमने उसको दिया, जाओ पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान पे फतेह करो, तालिबान को बिठाओ वहां। वो उनको ये चीज समझ नहीं आई लॉन्ग टर्म में कि तालिबान के साथ तहरीके तालिबान भी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी वहां पे है, और वहां पे जो आईएस भी वहां पे है, आईएस खुरासान भी वहां पे है, और वो आज उल्टे बांस बरेली को इनको पड़ गए हैं, क्योंकि कोई पाकिस्तान की सरकार चाहे तालिबान की हो चाहे इनके सबसे बड़े चम्मच हो, लेकिन वो ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तो अफगान प्राइड का मामला, ठीक है साहब, कि ये क्योंकि ड्यूरेंट लाइन जब बनी, जबकि हमारे महाराजा रणजीत सिंह ने जाके इंडस के इस तरफ जो कुछ भी था पकड़ लिया, छीन लिया, और आज भी वो पाकिस्तान के पास, लोग कहते हैं नोबडी नो आर्मी हैज कॉन्क्वर्ड पाकिस्तान और अफगानिस्तान एंड स्टेट देयर, रणजीत सिंह रॉन्ग, महाराजा रणजीत सिंह की फौज थी। अब साहब ये पीस टॉक शुरू हो गई, क्यों हो गई, आई सस्पेक्ट कि कई हमारे चतुर लोग चाहते थे कि भाई चीन के साथ पंगा हो रहा है तो हम पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत कर ले, कौन चाहता था। कैलकुलेशन ये है कि हम इतने चतुर हैं कि कल तक हम लड़ाई कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, आज हम एक प्यार की जप्पी मारेंगे, जप्पी पप्पी हो जाएगी और पाकिस्तान हमारे हाथ से खाएगा। उसको भी पीस चाहिए, उसको पीस चाहिए थी अफगानिस्तान लेने के लिए, अब उसने ले लिया। बाजवा की बड़ी स्मार्ट डॉक्ट्रिन थी कि थोड़ी देर इनको चुप रखो ईस्टर्न फ्रंट, ताकि हम वेस्टर्न फ्रंट पे कब्जा कर ले, अब उसने कर लिया। लेकिन साहब साथ साथ इकोनॉमी डूब रही है, ये टाइम अगर भारत के पास कोई कोई चाणक्य हमारा यहाँ पे अभी भी काम करे, ये टाइम है पाकिस्तान का दी एंड करने का, ये तमाशा खत्म करने का, ठीक है। यू मे नॉट इवन अटैक, यू जस्ट एंगेज इन मिलिट्री कॉम्पिटिशन, एंड अगर वो आपके यहाँ एसिमेट्रिक वॉर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। वाई इज इट अ वन वे ट्रैफिक, एक ट्रैफिक वन वे नहीं होगा साहब, क्योंकि यही समय मिला है शाहरुख खान को और लोगों को अमन की आशा जगाने के लिए। इन्होंने ठेका ले रखा है कि पाकिस्तान पे दोस्ती प्यार मोहब्बत, हमारे लोग मरते रहे, बेवकूफ है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है आपकी, तो जो हमारे किसी रिलीजन के ऑफिसर है वो तो देश के खिलाफ काम करेंगे और बचाएगी आईएसआई साहब, हमारे सेवियर आईएसआई है। तो मैं कह रही थी और हमेशा एक औरत होती है बड़ी सुंदर, जो कि इसके अंदर सुंदर औरत होती है, वो तो लोगों में अपने कल्चर का पता नहीं है, अंग्रेजी भाषा में इसको हनी ट्रैप कहा जाता है, हनी ट्रैप। तो साहब ये क्या नैरेटिव है, व्हाट नैरेटिव आर यू बिल्डिंग। देखा मैं तो कि आप गांधीगिरी के देश हो, आपने चरखा काट के आजादी ली, जो कि सबसे बड़ा झूठ, देखा झूठ और फरेब को अगर आप सच मान लो देन यू विल गो रॉन्ग एंड यू आर गोइंग रॉन्ग। लाइटर नोट, जो आपने कहा कि एक बहुत सुंदर महिला आती है जिसको मिलिट्री पैरलेंस में हनी ट्रैप कहा जाता है, वो कपड़े जो यहाँ पे पहने जा रहे हैं अगर आप पाकिस्तान में पहने तो मेरे ख्याल से आपको सारी उम्र लाइफ में प्रिजन में जेल ही हो जाएगी। अफगानिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे सड़क पे कोड़े पड़ेंगे, वहां तो कोड़े पड़ेंगे आपको, फिर पाकिस्तान में चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। अगर आप जो कपड़ों की बात कर रहे हैं, जो मेरे पास वो बहुत वायरल हुई थी फोटो उन कपड़ों की, कि अगर आप ऐसे पाकिस्तान में पहन रहे अफगानिस्तान में पहन रहे तो भगवान ही जाने क्या, तो फिर भी थोड़ा ठीक दिखा रहे हैं फोटो। सर मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सॉफ्ट पावर, बॉलीवुड की सॉफ्ट पावर बहुत है, अब नंबर्स जो भी हैं टिकट के नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है, आमिर खान की कुछ मूवीज चाइना में जाके 800-800 करोड़ की मूवीज बन गई थी, इंडिया में वो किसी को समझ नहीं आया क्या थी, बट एनी वेज उस पर नहीं पूछना चाहता मैं ये पूछना चाहता हूँ जो ये सॉफ्ट पावर है और ये अमन की आशा ब्रिगेड है, ये नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से क्या आपको लगता है ये जेन्युइनली लैक ऑफ अवेयरनेस है या ये डेलिबरेट पेडलिंग ऑफ नैरेटिव है,
क्या ये इनोसेंस है या स्टुपिडिटी है, अमन की आशा और जो ये सारे राइटर्स भी लिखते हैं या जो ये क्रिएट करते हैं, या ये कुछ इससे डीवियस है? सर आपके एक्सपीरियंस में क्या है? मेरे को तो एजेंडा लगता है। स्टुपिडिटी या स्टुपिडिटी एंटी इंडिया बिहेवियर? एंटी इंडिया बिहेवियर ये साहब मॉन्यूमेंटल स्टुपिडिटी है, मॉन्यूमेंटल स्टुपिडिटी है। अब थैंक गॉड हमारी इकोनॉमी ठीक है, हमारा विनाश काल कहीं सदियों तक नहीं आएगा, लेकिन ये जो इस तरह कहते हैं ना विपरीत बुद्धि हो, कि जब आप ये नहीं समझ पा रहे कि राष्ट्र हित कहाँ है, डिफाइनिंग द नेशनल इंटरेस्ट, लोग नहीं समझ पा रहे। इज इट मैंने तो समझाने की कोशिश की थी, मैंने तो बहुत की रीससेसिंग एजुकेशन की पावर ताकि वो जरूर हमको तंग करे, करता रहे, 26-11 होते रहने चाहिए, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है ना, झावड़ी बाजार में जाके हमारे बूढ़े बच्चे मारते रहे ये लोग, इनको तो ऑक्सीजन दो इस वक्त, ये टाइम है ऑक्सीजन देने का। तो फिर आपकी बुद्धि, आई क्वेश्चन योर विजडम, आई क्वेश्चन योर बेसिक कॉमन सेंस। वही तो मैं हैरान हूं, यू सी हाउ कैन यू गो वॉच इट, ऐसी मूवी आप कैसे देख सकते हो? लेकिन कुछ आई एम वेरी सॉरी टू से, जैसे कि दुल्लत साहब ने लिखा है, उसे तो साफ लगता है कि ये बड़ा हमारा फेयर कॉम्पोनेंट ऑफ आर इंटेलिजेंस एजेंसी, कुछ है बेचारे बिलीव करते हैं बड़ा सिंसियरली कि द वे टू डील विद पाकिस्तान इज टू खिलाओ पैसा टू हुरियत, खिलाओ पैसा टू देश, जीत लो, खरीद लो, ये कर लो, शांति कर लो, जो चाहिए दे दो। अरे क्यों दे साहब, इनकी भूख रुकेगी? कल ये मेवाड़ मांगेंगे, मालूम है हरियाणा में है मेवाड़, ये कल मेवाड़ मांगने आ जाएंगे ये पाकिस्तान वाले। तो वी हैव टू बी आई थिंक क्वाइट रियलिस्टिक। रियलिज्म, हमने लिबरलिज्म के जो नेहरूवियन क्लोक थी, नेहरू ने कहा था टू सर बॉब लॉकहार्ट, फर्स्ट आर्मी, ब्रिटिश आर्मी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जब वो गया प्लान्स लेके अपने बॉस को इंप्रेस करने की, साहब मैं तो भारत की फौज के एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के प्लान लेके आया हूं। इसने कहा जनरल आई डोंट नीड एन आर्मी, मुझे केवल पुलिस चाहिए, कोई देश भारत जैसी शांति प्रिय मुल्क पे हमला करने की सोच ही नहीं, चाइना ने कर दिया, दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि हम फास्ट कर देंगे। अरे रो के तो यूएन मर जाएगा, ऐसे आंसू बहाएगा कि साहब बाढ़ हो जाएगी यहाँ पे। ये बकवास जब आपने शुरू किया, थैंक गॉड चाइनीज ने ऐसी लात मारी, 62 चाइनीज आए ना इमीडिएटली, बेचारे वो तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और देश जो था वो ऐसा शॉक लगा, शॉक ट्रीटमेंट, कि उसके बाद भी वोक अप टू रियलिज्म फॉर अबाउट 10-15-20 जब तक मैडम गांधी थी तब तक वो रहा, और फिर ऑफ कोर्स राइट विंग सरकारें आई तो वो भी थोड़ी एग्रेसिव रही, लेकिन फिर मैं देखता हूं कि नौकरशाही का जो ये तबका है, एंड नॉट जस्ट इन द इंटेलिजेंस एजेंसी, इन द ब्यूरोक्रेसी, इन द फॉरेन मिनिस्ट्री, कई लोगों के करियर बने हैं पीस मेकिंग के ऊपर। पीस मेकिंग हमारा काम है टू डिलीवर पीस, चाहे खरीदे चाहे यो करें, फौज सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, इनको कंट्रोल करो, कम करो, नफरी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पैसा ना दो, ये तो हो रहा था 62 के पहले। डोंट गिव द आर्मी एनी वेपन्स, डोंट गिव द पीटी शू में जाके लद्दाख में लड़ने दो साहब, गुफा में लड़ने दो, वेपन्स बन रहे हैं। और वो एक जो कॉटन की जर्सी जो लुधियाना में बनती थी, कॉटन की थी, वो जूट की होती थी, देखा, उससे लड़ाए हमारे लड़के। तो साहब ये जो है ना, ये माइंडसेट बड़ा गहरा, ये कैंकर बड़ा गहरा गया हुआ है कि हम तो गांधी की औलाद है, हम तो गांधीगिरी में बिलीव करते हैं, चरखा काट के हमने अंग्रेज भगा दिए, उपवास कर कर के हमने अंग्रेज भगा दिए, ऐसा रुलाया कि वो गिफ्ट दे के गए। साहब वो गए बिकॉज वहां पे 60,000 की INA थी, जो देखा ये भी वही बोल, 26,000 उनमें से शहीद हुए, उनके लिए आपने एक पत्थर पे नाम नहीं लिखे साहब, बाकी सारे फ्री फंड वाले फ्रीडम फाइटर जो थे, जो हमने साहब जेल गए, इतने 6 महीने जेल गए, 7वां महीने में हमारा वो हो गया। तो खैर ये एक जो नैरेटिव है, इट वॉज फार रिमूव फ्रॉम रियालिटी। अगर आप उसको ऑब्जेक्टिवली एम्पेरिकली स्टडी करें, इफ यू स्टडी द ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट जो कि लंदन में 1977 में डीक्लासिफाइड, अंग्रेज क्यों गए उन्होंने खुद लिख के दी। अब आप पढ़े नहीं, प्राइमरी सोर्स और डॉक्यूमेंट ना पढ़े तो किसकी गलती है साहब? आपका इतिहास लिख गए
इस डॉक्यूमेंट के रिलीज होने के पहले बिपिन चंद्रा साढ़े 600 पेज की उसने जो है फ्रीडम इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल वो किताब बनाई है, देखा, जिसमें 1.5 पेज नेहरू क्या 1.5 पेज नेताजी और आजाद हिंद फौज कि वो एक महिमा मंडन करना चाहते थे, चाटुकारिता के एक्सपर्ट, जूते चाटने में तो इस देश से बढ़िया आपको लोग नहीं मिलेंगे। मुगलों को इन्होंने 1.5 किलोमीटर लंबी कोर्ट होती थी जहां जा बनाए, बिल्कुल जहां नूर मुझे दिखाया था, जैसे कि वो आप उसकी जो है वो तारीफों के पुल बांधते हुए जाते थे, पीछे नहीं कर सकते, चाटुकारिता आपके जीत में आ गई, पीछे ऐसे 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 करके आप जाओ। और इसके चलते आई थिंक यू आर गोइंग सीरियसली रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ रियलिज्म, बी रियल, बी रियल। अगर आपका दुश्मन घातक दुश्मन हिस्ट्री बुक्स बहुत जल्दी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग उसकी लोगों को शायद 40 साल हिस्ट्री पढ़ पढ़ के आए, एसिमेट्रिक वॉर वेज कर रहा है, अनरिलेंटिंग हथियार भेज रहा है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में आग लगाने के लिए हर जगह लोगों को उकसा रहा है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को वो हथियार पैसे और प्रोत्साहन दे रहा है, मतलब कोई छोड़ा उसने एफर्ट टू ब्रेक यू अप? ऊपर से चीन मंडरा रहा है, ऊपर से अफगानिस्तान में तालिबान और ये सब हावी हो गए हैं, ये दूसरी बात है कि ऐसे खुरापाती लोग हैं कि पहले तो पाकिस्तान को दुख दे और दे रहे, ये दे रहे, अफगान किसी का सक्का नहीं और वो किसी को अपने सर पे चढ़ने नहीं देता कि मैंने तेरे पे बड़ा ये किया वो किया वो किया, जहां ड्यूरेंट लाइन का मामला है वो लड़, हर सेल्फ रिस्पेक्टिंग अफगान लड़ेगा, तो जो पठान है वो असली पठान तो उस साइड है ना, मैं ऑडियंसेस को यही बताना चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान अमन की आशा या यासीन मलिक जो एक हीरो बन के घूमता था एक जमाने में, वो और ISI भारत की मदद करे इतना ही सच है जितना इस 180-200 किलो की बॉडी के ऊपर लगा हुआ चेहरा सच लग रहा है। ये सब का सब क्रिएटेड नैरेटिव है, आप नीचे की बॉडी देखिए, ये उतना ही सच है इस नैरेटिव में जितना 200-150 किलो की बॉडी के ऊपर शाहरुख खान का सर अच्छा लग रहा है आपको, ये आपकी समझने की बात है, आप ना समझे इसको तो जैसे जनरल बख्शी कह रहे हैं मॉन्यूमेंटल स्टुपिडिटी है, समझ जाए तो इसके अंदर अच्छा है। चलो बख्शी मेरा आपसे आखिरी सवाल, इतनी मूवीज हैं, दो मूवीज जैसे मैं हूं ना आई पार्लियामेंट्री अटैक के बाद, 26/11 में टुकाराम मोमले जी ने लाठी वील्डिंग वीरगति प्राप्त करते हुए किस तरह अजमल साहब को पकड़ा, तब जब सैफरन टेरर का नैरेटिव एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा था, वो मौली पहन के भी आया था, जिंदा ना पकड़ा जाता तो शायद सैफरन टेरर सक्सेसफुल भी होता। मेरा सवाल है इतनी बड़ी मूवी जहां पे ताज पे हो रहा है, क्यों किसी सुपरस्टार शाहरुख है अमीर है सलमान है टुकाराम मोमले जी का रोल नहीं करते, जहां पे एक निहत्ता पाकिस्तानी टेररिस्ट को पकड़ता है, उससे बड़ी रियल लाइफ मूवी 5 स्टार में अमीर लोगों की डाइनिंग, जो सड़क पे बैठे लोग थे उनकी मेट्रो स्टेशन पे, इससे बड़ी मूवी नहीं हो सकती, पर ऐसी मूवी कभी नहीं बनेगी जिसमें कोई सो कॉल्ड सुपरस्टार टुकाराम मोमले जी को ग्लोरीफाई करेगा। देखा सर, इसके पीछे क्या मानसिकता है, इसके पीछे आपको क्या कारण लगते हैं, प्लीज अपनी लास्ट टिप्पणी इस पे कीजिए। इसके पीछे नैरेटिव पेडलिंग मानसिकता है, ये बहादुरी का नैरेटिव, असली बहादुरी का नैरेटिव, असली सैक्रिफाइस का नैरेटिव, अरे अगर वो जप्पी नहीं मारता एक जिसके हाथ में AK-47 है, आप लाठी लेके चल गए जप्पी मार ली गोलियां छलनी करी छोड़ा नहीं साले, ठीक है साहब, इससे बड़ा रियल लाइफ हीरो आपको नहीं मिलेगा था, लेकिन कई और लोगों को मिला जो ग्वाची गांव जैसे घूम रहे थे, जो इस नैरेटिव के किरदार के सबसे बड़े नैरेटिव स्प्रेडर और वो प्लेयर थे, जिनके लेते हुए ऑफिशियल मेरे ख्याल मुझे लगता है कि कहीं से इनको पेट्रोनेट, मुझे तो अब ये शक होने लगा है कि इनको कहीं से कहीं ना कहीं से ये जो तबका है ये पीस मेकिंग तबका, ये एक नैरेटिव पेडल करके हमारे देश के लोगों का दिमाग तैयार करना चाहता है, मैं भी वही कह रही थी, पाकिस्तान से डाह ना करो, हम एक ऐसे स्विच बोलेंगे तो 20 ऐसे करेंगे तो और है, और दुनिया जो है वो लाइक गूंगे बहरे जो है वो नॉड करेंगे, हाँ पाकिस्तान से प्यार करो क्योंकि ISI की एजेंट आ रही है हमारे उद्यार के लिए, और दीपिका पादुकोण वो बड़े अच्छे ड्रेसेस में आ रही है वो उद्यार के लिए, तो साहब ये जो narrative peddling, this has to stop because ये हमारे देश को गुमराह।
कितनी अच्छी वॉर मूवीज आपने देखी हैं इस देश में, जितनी लड़ाइयां हमने लड़ी हैं, वी आर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्बैट टेस्टेड आर्म फोर्स। ढाका के कैप्चर के ऊपर क्या आपने कोई मूवी देखी है? हम लोग किताब लिख के ले लेके घूमते रहे, मैं बॉम्बे के चक्कर मार के आया तो वहां पे किसी को ये आइडिया पसंद नहीं आया कि हम द फॉल ऑफ ढाका दिखाएं। देखा, उनको पसंद आया कि हम दिखाएं कि पाकिस्तान से हम कैसे प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। आईएसआई जैसी चैरिटेबल एनजीओ तो है ही नहीं दुनिया में, रेड क्रॉस के बाद आईएसआई का नाम, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए हमारे लोग लगे हैं। रॉ में लोग भाग जाते हैं, देश के खिलाफ विद्रोह करते हैं, आईएसआई आके पाकिस्तान की मदद करती है। मैं भी तो ये बोला, रेड क्रॉस के ऐसा का नाम है, दूसरे कोविड स्मॉल पॉक्स की एपिडेमिक से बचा रहे हैं। अब ये दिस नैरेटिव बिल्डिंग आई थिंक इज, आप सोचते हैं कि साहब टू फ्रंट वॉर नहीं हो, हम इतने चतुर हैं साहब, हम दो फ्रंट पे होने ही नहीं देंगे, हम तो जब भी मार लेंगे, हम तो प्यार कर लेंगे, हम वहां से कौन को भेज देंगे आईएसआई की एजेंट यहाँ दिल जीतने के लिए, टू विन हार्ट्स एंड माइंड, देख लिया इंसर्जेंसी एरियाज में हमको टास्क होता है विन हार्ट्स एंड माइंड, तो पाकिस्तान के लिए विन हार्ट्स एंड माइंड इन इंडिया। मेरा ख्याल आई थिंक वी नीड टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। तो देख लिया फ्रेंड्स, जो भी जैसे बोल रहे थे ना सब मुझे कि मैं ऐसी अननेसेसरी सोच रही हूँ, कोई नहीं, जो इंटेलिजेंट माइंड होगा उसको समझ में आएगा। मैं तो पहले ही कहा, मैंने जैसे ही देखा मुझे लगा ये तो एजेंडा कोई इंटेलिजेंस माइंड पे आ गया, जैसे मैंने भी कहा था 1% लोगों में इंटेलिजेंस है और मैं नहीं है, इससे प्रूव होता है मेरे में। और जो लोग समझ गए वो समझ गए, हमने भी समझाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर नहीं, लोग समझ गए, वेरी गुड, दे अंडरस्टूड कि भाई पॉइंट यही है कि ये नैरेटिव गलत है, और अपनी हिस्ट्री को देखिए, अपने कल्चर को देखिए, आईएसआई का बंदा अच्छा दिखा रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या दिखाने की कोशिश, इंडिया में बैठ के तुम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अगर अगर ये मूवी हिट हो जाती है तो लोगों में प्रॉब्लम है। मैं तो वही मैंने कहूंगी, इंडिया के लिए, हम लोगों के लिए, इंडियंस के लिए एक शर्म की बात है। मैं तो ये सोच के इतना मुझे अपसेट होती हूँ कि शर्म की बात है कि हमने ऐसी मूवी को हिट करा दिया जो देशभक्तों का मजाक उड़ा रही है, जो हमारे रॉ एजेंट्स का मजाक उड़ा रही है। आई डोंट केयर कहाँ कई उस टाइप की मूवियां बनती हैं नहीं बनती हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम इंडियंस की बात कर रहे हैं, इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं, इंडियन हीरोज की बात कर रहे हैं। देखिए जो भी हैं, चाहे कोई भी रिलीजन हो, आप इंडियन हैं पहले। आधे लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि आप इंडियन हैं। हाँ, पाकिस्तान के तो हो नहीं, आप अफगानिस्तान के भी नहीं हो, बिल्कुल। तो इंडियन एक इंडियन है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हर इंसान जो मुस्लिम है वो कोई और एंटिटी है। नहीं, मुस्लिम इंसान भी इंडियन है, इंडियन मुस्लिम इज इंडियन, बिल्कुल। इंडियन मुस्लिम इंडियन है, इंडियन हिंदू इंडियन है। अगर आप इंडियन हो, अगर आप कहते हो अपने आप को इंडियन, तो आपको इस मूवी को रिजेक्ट करना चाहिए कि भैया ये पाकिस्तान के फेवर की है, ये अफगानिस्तान के फेवर की, इंडिया के फेवर की नहीं है मूवी, इसलिए हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इंडिया के बारे में नहीं है। बिल्कुल, वो अपना गेम चला रहे हैं और पब्लिक जो है बेवकूफ बन रही है। मैं बहुत दुखों से कहती हूँ हर बारी कि पब्लिक बेवकूफ बन रही है। पब्लिक बेवकूफ है क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी चैनल्स को जाके देखती है, उनके रिएक्शन चैनल्स को देखती है, उसी से प्रूफ मिल जाता है कि हमारी पब्लिक, हम इंडियंस कैसे हैं। अभी नहीं है, एडवांस अभी नहीं है, अभी अगली जनरेशन में। और अगर इस ऐसी मूवी को भी हिट किया जा रहा है तो उससे क्वेश्चन मार्क तो उठ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। उन्होंने बोल दिया, एक्स जनरल यही कह रहे हैं कि स्टुपिडिटी है, लोग स्टुपिड हैं, एग्जैक्टली वही ये कह रहे हैं साफ साफ, बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।